राधे प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज मोहन राकेश के नाटकों को ट्रिक से याद करते हैं और ट्रिक ऐसी कि कभी जीवन में भूले नहीं। एक बहुत ही छोटी ट्रिक, मोहन ने आषाढ़ की लहरों में आधे अधूरे पैर धुले, बस तीन बार पढ़नी है ये ट्रिक। मोहन ने आषाढ़ की लहरों में आधे अधूरे पैर धुले, मोहन ने आषाढ़ की लहरों में आधे अधूरे पैर धुले। मोहन से मोहन राकेश, आषाढ़ से आषाढ़ का एक दिन, लहरों से लहरों के राजहंस, आधे अधूरे से आधे अधूरे और पैर से पैरों तले जमीन, ये अपूर्ण नाटक है। तो ये धुले रहेगा वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 1963 में और आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित हुआ था। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसका प्रमुख पात्र कालिदास है। मेघदूतम की पहली कथा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, वहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। लहरों के राजहंस सुंदरी और नंद की कथा है। नंद कभी सुंदरी की ओर जाते हैं, कभी गौतम बुद्ध की ओर जाते हैं, तो वो लहरों की तरह, राजहंस की तरह इधर उधर हो रहे हैं। आधे अधूरे विडंबनाएं दिखाई गई हैं मध्यम वर्गीय परिवारों की, ठीक है। तो आपको ट्रिक से याद हो गए होंगे, मोहन ने आषाढ़ की लहरों में आधे अधूरे पैर धुले।